इतना बेनिफिट्स दे रहा है ये हमें नहीं समझता। हमारा स्टैमिना बढ़ता है, लोअर्स बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड गुड। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फूड के बारे में जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में। ये एक ऐसा फूड है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। ना ही सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स, ये आपके हेयर, स्किन, नेल्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सल फूड है। हम में से काफ़ी सारे लोग इन बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते। इस फूड के बहुत सारे सोर्सेस हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से ये फूड आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिसके वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से ये बचाएगा और बेनिफिट्स भी देगा। द नेम ऑफ दिस सुपर फूड इज कोकोनट, जिसे हम नारियल भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोकोनट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए और ये क्यों इतना बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी, आज का वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोकोनट तो हम सभी लोग खाते हैं बट वो हमें कितना बेनिफिट्स दे रहा है ये हमें नहीं समझता। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो हम बात करेंगे कोकोनट के बेनिफिट्स की। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड इंक्रीज स्टैमिना। कोकोनट के कोई भी सोर्स को इंक्लूड करने से हमारा स्टैमिना बढ़ता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है पूरे दिन की एक्टिविटी को रन करने के लिए। नारियल के कई सारे सोर्सेस हैं, जैसे रॉ नारियल, नारियल का दूध जिसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं, नारियल पानी। बिकॉज ऑफ दिस सोर्स योर स्ट्रेंथ, पावर एंड स्टैमिना इंक्रीज रैपिडली। अब ये स्टैमिना हमें नारियल से कैसे मिलता है, लेट्स सी। नारियल में MCTS होते हैं। MCTS ये एक टाइप का फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज को क्योर करने में हेल्प करता है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या जिम जाते हैं या साइकिलिंग करते हैं, उनको MCTS से काफ़ी पावर और स्टैमिना मिलता है। सेकेंड, लोअर्स बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। Now, one study in 1837, Philippine woman has researched and found that जो लोग ज़्यादा कोकोनट ऑयल खाते हैं उनका HDL गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है और उनका LDL बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है। ओवरऑल इट कंक्लूडेड दैट कोकोनट ऑयल हैज न्यूट्रल इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल। लेकिन कंज्यूमिंग वर्जिन कोकोनट ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड कोकोनट मलाई में रिड्यूस बेली फैट, और ये स्टडीज प्रूवन है और एस्पेशली बेनिफिशियल है क्योंकि एक्सेसिव बेली फैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। और बेली फैट रिड्यूस करने से आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन भी बेटर हो जाएगी, और बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर होगी तो आपका स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना भी बेटर होगा। सो कोकोनट वर्जिन ऑयल लेना बेस्ट है। थर्ड, कोकोनट कीप्स बॉडी एंड माइंड कूल। कोकोनट जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है, और अगर आप रेगुलरली कोकोनट ऑयल को मसाज करते हो नहाने से पहले अपने बॉडी पर, तो आपका बॉडी भी अंदर से ठंडा रहता है। नारियल पानी या नारियल का दूध पीने से आपका हेड कूल रहता है। आप अगर नारियल को रेगुलरली इंक्लूड कर रहे हो आपके डाइट में तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और हीट इन सब से डील करने में आसानी होगी। फोर्थ, हाईली बेनिफिशियल फॉर स्किन। कोकोनट हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। कोकोनट क्रीम, कोकोनट बटर, कोकोनट फेस वॉश, ये सारे प्रोडक्ट काफ़ी माइल्ड और हर स्किन पर सूट होते हैं, जो ना कि सिर्फ सूदिंग और सॉफ्ट है बल्कि काफ़ी हाइड्रेटिंग भी रखता है, क्योंकि ये हमारे स्किन में क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। कोकोनट फाइन लाइंस और रिंकल्स भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, टेम्पररी रेडनेस को भी रिलीफ देता है। फिफ्थ, बेनिफिट फॉर थायराइड पेशेंट। नाउ कोकोनट ये थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली हाइपरथायराइड। अगर थायराइड पेशेंट रेगुलर दूध में कोकोनट मिल्क मिक्स करके पीते हैं तो उनका थायराइड लेवल कंट्रोल में रहेगा, और जिनको हाइपरथायराइडिज्म है उनका यूजुअली वेट गेन होता है, और उन लोगों ने कोकोनट को अपने रेगुलर डाइट में वो खाते हैं तो उनका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो ईजी होगा, क्योंकि कोकोनट में MCTS है। MCTS जैसे मैंने आपको बताया वो हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है और हमारे फैट बर्न के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। सिक्स्थ पॉइंट, कोकोनट ऑयल इज बेटर देन एनी अदर कुकिंग ऑयल। बिकॉज कंपेयर टू एनी अदर ऑयल, कोकोनट ऑयल हैज हाई स्मोकिंग पॉइंट, और जिस किसी भी ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट लो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता।
क्योंकि वो हमारे बॉडी में जल्दी से बर्न होकर फ्री रेडिकल्स को रिलीज करते हैं और जिसके वजह से हमारा इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाता है और उसका इफेक्ट दिखता है हमारे स्किन, हेयर और ओवरऑल लुक पर। सो ये थे कोकोनट के बेनिफिट्स। आई होप गाइस आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। एंड गाइस ऐसे ही तगड़े कंटेंट के लिए प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।